हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपकी डिमांड पर एक आपको ये वाला स्लीव डिज़ाइन बताऊंगी कि ये कैसे बनाया जाता है। इट लुक्स वेरी वेरी ब्यूटीफुल। सबसे पहले हम आर्म्स कट करेंगे, तो इसकी लेंथ है 16 इंचेस। नॉर्मली हम 20 इंचेस इसकी विड्थ लेते हैं टू कट द आर्म, बट सेंटर में डिज़ाइन होगा तो हम उसका हाफ 10 इंच लेंगे। दिस मीन्स कि 10 इंचेस के आपके पास 2 पार्ट्स होंगे। फाइन, सेंटर में कट होगा। इस तरह से हम ये एक 2 पट्टियाँ काटेंगे 2 आर्म्स के लिए। ये जो पट्टियाँ हैं इनकी लेंथ हमारी आर्म्स जितनी ही होगी और इनकी जो विड्थ होगी वो 2 सेंटीमीटर होगी। दैट्स इट। ये आप सेम कपड़े की भी काट सकते हो या डिफरेंट की भी। फिर ये हम हाफ इंचेस क्लॉथ की ये पतली पतली काटेंगे पट्टियाँ। देन इस तरह से हमने रेक्टेंगुलर बॉक्सेस काटने हैं जो आप 3-3 सेंटीमीटर के काटोगे। फिर जो हमारी पट्टियाँ हैं उनकी साइड्स को आपको 1 फोल्ड करना है, ऑल साइड्स को, ताकि उनमें से कोई भी थ्रेड वगैरह ना निकले। तो इसको हम स्टिच कर लेंगे। उसके बाद देखो, इट लुक्स लाइक दिस। अब इसके ऊपर हम ये अपनी रेक्टेंगुलर पट्टियाँ लगाएंगे डायगनल वे में। उसको फोल्ड करके आपने डायगनल वे में लगाना है, लाइक जैसे मैं रख रही हूँ इसके ऊपर। और जो आप सीन लगाओगे वो भी डायगनल ही लगाओगे। ये लग गई है। अब जो दूसरी हम पट्टी लगाएंगे वो दूसरी साइड से लगेगी। सो इन द स्टार्टिंग तो ये एक क्रॉस सा बनाएगी, तो ये ऐसे क्रॉस सा बनना चाहिए। अब दूसरी साइड भी हम डायगनली ही स्टिच करेंगे। उसके बाद ये ध्यान रखना है कि ऐसे नहीं लगानी जैसे मैं अभी लगा रही हूँ। ये पूरा आपको स्टिच करने के बाद, निकालने के बाद ही आप वो पट्टी वहाँ पे रखोगे, नहीं तो वहाँ पे सीन दिखाई देगी। अब जो दूसरी पट्टी है वो हमने उसके ऊपर रखी है, जो फर्स्ट वाली थी उसकी स्टिचिंग के ऊपर, उसकी सीन के ऊपर हमने रखी है। ऐसे इस तरह से ये बन जाएगी। हमें ये कंटिन्यू करते रहना है। मैं एक साथ दोनों पट्टियाँ तैयार कर रही हूँ, आप जैसे मर्जी कर सकते हो, दैट्स योर विश। एडवाइस ये है कि जो ये आप डिज़ाइन है ये शॉर्ट लेंथ पे बनाना। मैंने 16 इंचेस लेंथ पे बनाया था तो इट टेक्स लॉट ऑफ टाइम, तो इट्स बेटर कि आप शॉर्ट लेंथ पे बनाएंगे। या फिर जो ये पट्टियाँ हैं ये काफ़ी इसमें डिस्टेंस रख लें ताकि आपको इजी हो जाए बनाना। सभी आपने इस तरह से सिक्योर कर लेनी है, एंड तक आपको लगानी है। जो ये पट्टियां हैं 3 इंचेस होनी चाहिए लेंथ में, तो उसको डायगनली आप अटैच कर सकते हो। क्रॉस बनता जाएगा और स्टार्टिंग में हमें ऐसा लगेगा कि वहाँ पे क्रॉस नहीं है, बट एंडिंग पर हमें क्रॉस बनता दिखाई देगा। इस तरह से आप दोनों पट्टियों को एक साथ रेडी कर सकते हो, तो ये भी एक तरह का वे है। तो ये मेरी रेडी होगी फाइनली। अब इसकी जो एंडिंग्स हैं, साइड्स हैं, उसके ऊपर मैं एक स्टिच कर लूँगी ताकि ये हिले ना। तो इट्स डन। लुक, फिश की तरह लग रही है ये। तो अभी मैं एक हाफ लूँगी अपनी आर्म का, उसकी साइड को मैं 1 फोल्ड करूँगी। और जो ये मैंने पाइपिंग बनानी है इसको भी 1 फोल्ड किया है हाफ से। और जैसे मैं रख रही हूँ वैसे रखना है आपने। थोड़ी सी ग्रीन लाइनिंग जो है वो हमें दिखनी चाहिए जो पाइपिंग होगी हमारी, तो इसको हमने ध्यान से करना है एक साइड पर। आप चाहे तो पिनअप कर लीजिए पहले,
नहीं तो इस तरह से भी कर सकते हैं आप, पेशेंटली इसको कंप्लीट करना है। जैसा मैं इस साइड पे कर रही हूँ वैसा आपको दूसरी साइड पे भी करना, जो आपको दूसरी ओपन साइड दिख रही है ना डिज़ाइन की, उसमें भी सेम आपको यही करना है। तो हम कह सकते हैं कि एक आर्म के ऊपर आपको टू लाइनिंग्स, टू पाइपिंग्स दिखाई देंगी। मैंने इसमें ग्रीन कलर लिया है क्योंकि जो बॉटम है मेरे क्लोथ का दैट्स ग्रीन, तो आप इसको ऐसे कोऑर्डिनेट कर सकते हो। सी कितना ब्यूटीफुल, कितना ग्रेसफुल इट लुक्स। सो इस तरह से दोनों साइड्स पर ये हो जाएगा। यहाँ पे ख़त्म नहीं हुआ है क्योंकि हमें ये पाइपिंग बॉटम में भी देनी है, तो उसका भी एक वे है सेम जैसे इसका था। तो बॉटम से हम 1 इंचिस पर ऐसे डॉट लगा लेंगे, पाइपिंग को फोल्ड करेंगे जो भी हमारा क्लॉथ है सिंगल फोल्ड, और उसके उसको इसके ऊपर रख के स्टिच कर लेंगे। और जो नीचे वाला कपड़ा है उसको 1 फोल्ड फिर डबल फोल्ड करके हम उसको उसके ऊपर सेट करेंगे। तो एज आई एम एक्सपीरियंस्ड तो मुझे पिनअप करने की ज़रूरत नहीं है, बट यू गाइज कैन पिनअप अगर आपको इतना थोड़ा डिफिकल्ट लगे तो। सेम वही वे है, बस हम लगा रहे इसको बॉटम पे है। सो इट्स डन, ये हमारा डिज़ाइन है। ये देखो ये आर्म बन गई है। फिर इसकी जो कटिंग होती है, जो कर्व्स हम ऊपर से देते हैं, वो आप इसको बाद में दे सकते हो, ठीक है? ऊपर से आप कर्व्स दे सकते